मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि दुनिया में एक जोम्बी वायरस फैल चुका था। वायरस शारीरिक संबंध से एक दूसरे के शरीर में फैलता था। इसकी संक्रमण दर काफी कम होती थी। हालांकि इस वायरस को फैले कई साल हो चुके थे, लेकिन इसे ठीक करने के लिए कोई इलाज अभी तक नहीं है। इसलिए इस वायरस को संक्रमित लोगों को अरेस्ट करने के लिए सीक्रेट एजेंसी बनाई है, जिसे MCD कहा जाता है। इसकी शुरुआत एक हाई स्कूल एक लड़के जैक से होती है। वो एक निकम्मा और आवारा लड़का होता है। किसी वजह से वो हिस्ट्री के पेपर में फेल हो जाता है। इसलिए उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें ब्राइट फ्यूचर करने के लिए अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन उसका फोकस एक मांडा नाम की लड़की पर होता है। मगर अभी तक वो खुद उसे अपने दिल की बात बोलने में कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अमांडा एक चेस नाम के लड़के को डेट कर रही थी। इंटरवल में सभी लोग लंच कर रहे होते हैं, लेकिन जैक अपने टेबल पर उदास बैठा होता है। तभी उसके दोस्तों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि कल रात एक प्रोस्टिट्यूट के साथ बिना प्रोटेक्शन के अल्टीमेट हो गया, जिसकी वजह से मुझे डर है कि मैं कहीं इन्फेक्टेड नहीं हो गया हूं। इसके बाद अमांडा एक लड़की को किस करती है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि वो दोनों लेस्बियन है। अमांडा उस लड़की से प्यार करती है, लेकिन असल में अमांडा उस लड़की को काट रही होती है, क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुके थे। जिसके बाद जैक भी ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सभी स्टूडेंट को काटने लगते हैं। कुछ देर बाद हॉल में एक केस नाम की लड़की आती है, जो अपने दोस्त टॉम के साथ MCD में काम कर रही थी। दरअसल उसमें ऐसी पावर थी कि वो किसी चीज को छूकर उसके करंट लोकेशन का पता लगा सकते थे। तभी जैक के पेन को टच करके उसके लोकेशन का पता लगा लेती है। दूसरी ओर अमांडा और जैक एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। दरअसल इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं। जब उन्हें गुस्सा, डर या भूख लगता है तो वो लोगों को मारने लगते हैं। अब जैक और अमांडा एक गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहे होते हैं, तो वहीं टॉम और कैस आ जाती है। तभी टॉम जैक को शूट कर देता है, लेकिन अमांडा उसे काटने लगती है। उन लोगों में काफी देर तक फाइट चलती है। तभी वहां दो लड़कियां आ जाती है, जो जैक और अमांडा को लेकर वहां से चली जाती है। तभी वहां वो दोनों लड़कियां आती है, जिनका नाम ग्रेस और समर है। दरअसल वो दोनों लेस्बियन होती है, जो किसी लोवा नाम की जगह से आती है, और उनका काम अपने जैसे लोगों को MCD से बचाना होता है। और दूसरी ओर टॉम कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट को लेकर आता है, ताकि केस उनका माइंड रीड करके पता लगा सके कि वो वायरस अमांडा और जैक में कैसे आया। वही अमांडा के बॉयफ्रेंड चेस को भी वहां लाया जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि चेस भी एक ज़ॉम्बी होता है। इसने इस चीज को अभी तक सबसे छुपाए रखा है, उसी से वायरस अमांडा तक पहुंचा था। तभी वो चेस पर अटैक कर देता है, लेकिन केस उसे अपने माइंड से बेहोश कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने MCD का चीफ ऑफिसर एलिस्टर होता है, जो उसे एक बुक देकर कहता है कि इसे टच करके पता लगाओ कि दोनों कहां पर है। अमांडा को पता चल जाता है, लेकिन वो एलेस्टर से झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाई। अगले दिन हम इन चारों को देखते हैं। ग्रीस एक आदमी को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आती है, बाद में वो सभी मिलकर उसे खा जाते हैं। दूसरी ओर एलेस्टर केस को चेस से मिलाता है, जिन्हें एक चिप के जरिए उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, और वो चेस को बताता है कि हम लोग इन्हें एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें किसी भी हालत में जैक को ढूंढना होगा। लेकिन एस अभी भी यही कहती है कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ पर है। लेकिन तभी एलेस्टर उसकी बहन को वहां लाता है, उसे अपने ब्रेन से चेस की ओर बढ़ाता है। उसकी जान केस के हाथों में होती है, जिसकी वजह से केस उन लोगों को पता बता देती है। बाद में MCD की टीम उन्हें लेने के लिए निकल जाती है, जहां केस हेलुसिनेशन की मदद से जैक को वहां से भगाने का हिंट देती है। केस उसे इसलिए बचाती है क्योंकि उससे प्यार करती है। MCD टीम चारों ओर से उस घर को घेर लेते हैं, लेकिन तभी ग्रीस और समर उन पर तीर से अटैक करके वहां से भागने लगती है। तभी टॉम पीछे से शूट कर समर की खोपड़ी उड़ा देता है, जिसकी वजह से ग्रीस को गुस्सा आ जाता है और वहां तेजी से उस पर अटैक करने के लिए दौड़ती है। लेकिन तब तक बाकी लोग उसे करंट देकर अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी ओर हम जैक और अमांडा को देखते हैं, जो कि वहां से भाग चुके थे। आगे चलकर उन्हें भूख लग जाती है और वो दोनों एक आदमी को मारकर उसकी आंतें खा लेते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और अब उनका पीछा MCD टीम भी नहीं कर रही थी। तभी रोड पर उन्हें एक मरा हुआ आदमी मिलता है, जिसको उन दोनों ने मारा था। टॉम केस से कहती है, अब भी तुम जैक को बचाने की कोशिश कर रही हो, तो तुमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है, क्योंकि जैक लगातार लोगों को मार रहा था। तभी केस उसे ढूंढने का वादा करती है, मगर उसे एलेस्टर को देने से मना करती है। दूसरी ओर अमांडा और जैक अमांडा के भाई के घर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज पूछते हैं। तो वो उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें एक साइंटिस्ट वादा करता है कि उसने इस वायरस की वैक्सीन बना ली थी, इसलिए जैक और अमांडा अपने इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने का ठान लेते हैं। तभी बाहर MCD की टीम आ जाती है। तभी केस देखती है कि अमांडा और जैक इंटीमेट हो रहे थे, तब मतलब यही उन लोगों को पकड़ने का सही समय था। तभी टॉम गन लेकर अंदर जाने लगता है, लेकिन एलेस्टर उसे रोक देता है और चेस को अंदर भेजता है। वो अंदर जाकर अमांडा और जैक पर अटैक कर देता है, जिसे एलेस्टर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो लोग उसे पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं। तभी अमांडा का भाई वहां आ जाता है और कहता है कि मेरे पास बहुत हथियार है, जिसकी मदद से हम MCD टीम को रोक सकते हैं। लेकिन तभी उसे एक
गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वो लोग चेस को बाहर फेंकते हैं ताकि वो लोगों को चकमा देकर भाग सके, लेकिन तभी टॉम उन्हें देख लेता है और अमांडा को शूट कर देता है, लेकिन गोली उसके हाथ पर लगती है जिससे वो घायल होकर गिर जाती है। तभी अमांडा टॉम को काट लेती है, लेकिन जब तक बाकी लोग अमांडा को अरेस्ट कर लेते हैं इसी हादसे में टॉम की मौत हो जाती है। तभी केस को अमांडा पर बहुत गुस्सा आता है और तभी एलिस्टर वहाँ आ जाती है कि केस को जैक का एड्रेस पूछता है, लेकिन केस कहती है कि मैं एमसीडी को लीव कर रही हूँ। तभी एलिस्टर उसके दिमाग को कंट्रोल कर एड डालने वाला होता है, तभी अमांडा का भाई उस पर चाकू से वार कर देता है उसकी। वही मौका देख केस वहाँ से भाग जाती है और वो जैक के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। तभी जैक कहता है कि तुम तो हमें यहाँ पर पकड़ने के लिए आई हो, मेरे साथ क्यों हो। केस उसे नहीं बता पाती कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए जैक वापस अमांडा को लेने जाता है। केस भी उनके पीछे आ जाती है और कहती है कि एमसीडी वाले उन्हें पकड़कर ले गए हैं, इसलिए वो दोनों वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तभी वो एमसीडी के डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं एक गार्ड खड़ा होता है, लेकिन केस उसका माइंड कंट्रोल कर लेती है और जैक उसे एलिस्टर की तरह दिखाई देता है, जिससे उन दोनों को आसानी से एंट्री मिल जाती है। अंदर जाकर वो लोग देखते हैं अलग अलग तरह की एक्सपेरिमेंट करता है और साथ ही वहाँ बहुत से ज़ॉम्बी होते हैं जिन्हें एक साथ पिंजरे में कैद किया गया है। तभी जैक अमांडा को पिंजरे से निकाल लेता है और वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं क्योंकि एलिस्टर को पता चल जाता है कि केस सारे ज़ॉम्बीज को छुड़ाने आई है। केस तभी सारे ज़ॉम्बीज को छुड़ा देती है जो सभी सोल्जर्स को मार देती है। वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एलिस्टर आ जाता है जो केस को कहता है कि उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, लेकिन केस ऐसा नहीं करती है और वो चेस को कंट्रोल कर एलिस्टर को कटवा देती है, जिससे वो लोग वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन अमांडा केस को साथ ले जाने से मना करती है, लेकिन जैक उसे समझाता है कि वो हमारी मदद कर रही है, इसलिए वो लोग लोवा की ओर निकल पड़ते हैं। केस बताती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जैक कहता है कि लोवा में कुछ ऐसे लोग हैं जो वायरस का इलाज जानते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी किसी से टक्कर हो जाती है। तभी वहाँ और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और पता चलता है कि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है और हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।